हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुप्रीति आर्ट ऑफ कुकिंग। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज आई है पूरी 1.5 सालों के बाद मेरी छोटी सिस्टर हमारे घर पर फर्स्ट टाइम बेबी को लेकर के। और ये देखो, हम सभी कितने खुश हैं। पहले हम मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। और बेबी को तो सबसे पहले मैंने अपनी गोद में ले करके और उसे पूरा प्यार करने लगी। बहुत ही प्यारा बेबी है। और इसका सबसे पहले मैं बताती हूँ, इसका नाम अनविक है। मेरी बड़ी बेटी है ना, उसके नाम से बहुत ही सिमिलर नेम है। और ये बहुत ही क्यूट है, आप देख सकते हैं, हम बहुत ही खुश हैं। तो आज मैंने ना बहुत सारी प्रिपरेशन कर रखी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मौसी ने बच्चों के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर के आई हैं, और बच्चे भी खुश हैं कि उन्हें अब मिठाइयाँ मिलेगी खाने को। और मैंने स्नैक्स में थोड़ा वेलकम जो स्नैक्स रखा था वो लाइट सा रखा था। और मैं कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही वार्म इधर बैंगलोर का वेदर भी थोड़ा था, तो मैंने फ्राइड मोदक जो बना करके रखे थे वो मैं सर्व कर रही हूँ। मेरी सिस्टर ने खाया, फिर उनके हस्बैंड है उन्होंने खाया, फिर उन लोगों को पसंद आया, बोला कि हाँ अभी तक ये बहुत क्रिस्पी लग रहा है। मैंने कल ही बनाया था स्पेशल कि शायद उन्हें पसंद आएगा। और आप ये मैं थोड़ा सा एप्पल्स और कोल्ड ड्रिंक्स और मिक्सर्स, ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन रखा था। और अब ये देखिए, मैंने ये स्पेशल बनाई थी, बहुत ही सुपर फास्ट, मेरी अपनी खुद की रेसिपी है। मटर पनीर बनाया था, क्योंकि मेरे पास कुकिंग टाइम तो था, बट मुझे बहुत सारे डिशेज बनाने थे, तो मैं काफ़ी फटाफट काम कर रही थी आज। और आप ये देख रहे कितना लाजवाब हुआ है। तो मैं अब थोड़ा सा हल्क थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिपिंग्स निकाली थी कि मैंने कैसे बनाया था। सबसे पहले मैं इधर ओनियन और जिंजर गार्लिक और चिलीज़ को थोड़ा सॉटे कर लिया था, और मैंने पहले ही पनीर को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया था। और इधर देखिए, मैंने पहले उसको मिक्सर में ग्राइंड करके ये मसाले डाल करके मैं उसको पूरी तरह मसाले भूज रही हूँ। उसके बाद मैंने वो पीस को पहले जो मैंने प्रेशर कुकर में पहले कुक कर लिया था, उसके बाद मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ, तो ये बहुत ही फटाफट बन जाती हैं। और मैंने इसमें टमाटर के छोटे छोटे पीस जो है ना ऊपर से पहले डाले थे, जो कि आई मीन इसके बहुत सुंदर कलर आ गए थे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जितना दिखने में सुंदर है ना, उससे कहीं ज़्यादा इसका ज़बरदस्त टेस्ट था। तो और देखिए, मैंने जो सेकंड रेसिपी बनाई थी वो मैंने रखा था आलू और पटल का क्रिस्पी सा भुजिया, सो मैं इसे भूज रही हूँ काफ़ी लो फ्लेम पर। नेक्स्ट आइटम जो मैंने बनाई थी वो है पुलाव। सो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स में कैशू किसमिस और थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए इसमें कैरेट और कोरिएंडर लीव्स ग्रीन कलर ऐड किया था, गार्निश कर दिया था ऊपर से। सो ये काफ़ी सुंदर सा मज़ेदार कलर इसमें आ रहा है, और सही में इसका फ्लेवर तो बहुत ही सुंदर था। सब लोग बेबी के साथ खेल रहे हैं, अनविक के साथ, और मंजुल जी ने उसे अपनी गोद में लेकर के, और मौसी अपना एंजॉय कर रही है स्नैक्स, और बच्चे भी काफ़ी खुश, और हमारा भी ये इस डकिंग के साथ खेलने में एंजॉय कर रही है। सब मस्त हैं और सभी खुश हैं। तो उसके लिए उसको एक झुनझुना उसे बहुत पसंद आया था एक्चुअली में। तो और ये देखो उसका डकिंग, ये काफ़ी अच्छा जो है ना, उसे मारने पर ही उसकी आवाज़ निकलती है। What is that? Show me. वो बोलता है, उसको बोलो। हाउ हाउ पिट्टी करने पे बोलता है। और जो मैंने ये नेक्स्ट रेसिपी बनाई है वो था मसाला पापड़। सो जो हम रेस्टोरेंट में जो फर्स्ट स्टार्टर ऑर्डर करते हैं ना, ये काफ़ी मस्त बना था, मैं लिटरली आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये था तो स्टार्टर, लेकिन मैंने इसे सबसे लास्ट में बनाया था, क्योंकि अगर ये ओनियन टोमेटो जो स्मॉल स्मॉल पीसेस कट करके जो मैंने इसमें डाले थे, अगर उसे बहुत पहले डाल देंगे ना तो थोड़ा सा सैगी हो जाएंगे। और उसे थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए मैंने लेमन और उसमें चाट मसाला से ऊपर से गार्निश किया था। देन नेक्स्ट मैंने 2 डेजर्ट रखे थे। फर्स्ट मैंने बड़े वाले रसगुल्ले मार्केट से ऑर्डर किए थे, और लिटरली ये बहुत टेस्टी था। और सेकंड मैंने सेवई बनाई थी,
और कुकुम्बर एंड कैरेट का सैलड रखा था। सो ये रसगुल्ले को मैंने अपने सर्विंग डेजर्ट बाउल में सर्व किया था और ये काफ़ी ये टेम्पटिंग लुक दे रहा है और सही में सबने इनकी बहुत तारीफ़ की। और अभी देखिए सबसे लास्ट में हम पूड़ियाँ तलते हैं झटपट क्योंकि सबको बहुत भूख लग गई थी। और इस पूड़ी में मैंने कसूरी मेथी डाल करके पूड़ियाँ तली थी सो काफ़ी वो भी काफ़ी टेम्पटिंग लुक था। और अभी मैंने डाइनिंग टेबल पर सारी चीज़ों को डेकोरेट कर दिया है और सर्व करने के लिए अभी हम जा रहे हैं। और एक बार फाइनली मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा क्लिप्स निकाल लूं और बट वो काफ़ी मुश्किल से बहुत ही मैंने सारे आई थिंक कवर ही नहीं कर पाई में और हाँ इधर हमारा एक बूंदी रायता तो रह ही गया था और ये छोटी सिस्टर ने काजू कतली लाई थी तो अब हम खाने के लिए तैयार हैं और इधर सभी बैठ करके अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। और अनभिक अपनी मम्मा को बोल रहा है कि उसे भी खाना है और उसके इतने सारे खाना देख करके उसके भी मुंह में पानी आ गया है। वो बस अपनी मम्मा का हाथ पकड़ के बोल रहा है कि मुझे भी खिलाओ। और तो इस तरह से इधर हमने देखा अनभी भी खा रही है अच्छे से और हाँ ये अमायरा ने तो दो रसगुल्ले खा के ख़त्म कर लिए हैं और उसे सिर्फ शायद रसगुल्ले ही खाने हैं। और अब खाना खाने के बाद सभी रेस्ट कर रहे हैं और ये मंजुल जी बेबी को इस तरह से जंप करा रहे हैं। इस तरह से अनविक बहुत खुश लग रहा है और अमायरा भी काफ़ी इंजॉय कर रही है। अरे वाओ इधर देखो अनविक इधर देखो बाबू को पकड़ना है। पकड़ो 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 उसको पकड़ो 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 ये। और ये इवनिंग में मैंने बनाया था क्रिस्पी डबल चीज बॉल जिसे मैंने बनाया था अपम मेकर में और ये काफ़ी हेल्दी सा बना था क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया था और इसके अंदर देख रहे मैंने चीज़ को फिल किया था जो कि बहुत ही टेम्पटिंग था और सही में इसका रेस्टोरेंट वाला पूरा फ्लेवर आ रहा था। सबने बहुत तारीफ़ की और इस तरह से मैंने इसे डेकोरेट किया था सर्विंग प्लेटर में और ऊपर से मैंने ये होममेड मेयोनीज बनाए थे और ये मेयोनीज जो इतना टेम्पटिंग लुक दे रहे थे ऊपर से मैंने इसे गार्निश किया था पिज्जा सीजनिंग हर्ब्स एंड चिली फ्लेक्स से और कुछ कोरिएंडर लीव्स से। सो गाइस ये थी हमारी वीडियो और ये वीडियो बनाने में ना गाइस बहुत मेहनत लगती है। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हाँ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच।